हे गाइस, आप सभी का स्वागत है चैनल के और नए वीडियो में। होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर जैसे कि आप लोगों ने टाइटल में तो देख ही लिया है, क्या आने वाला है गेम के अंदर, हम लोग बात करने वाले हैं नेक्स्ट मिस्ट्री शॉप, जो कि आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा इस महीने के अंदर। जी हाँ गाइस, मिस्ट्री शॉप के ऊपर हम लोग बात करने वाले, कौन सा कॉस्ट्यूम होगा, क्या देखने में होगा, सारी चीज दिखाएंगे। वीडियो जरूर एंड तक देखना। और गाइस, मिस्ट्री शॉप का सवाल है तो वीडियो को अभी के अभी लाइक करना तो बनता है मेरे हिसाब से। तो फटाफट लाइक कर दो, और चैनल को पढ़ने और सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो, और बेल नोटिफिकेशन का करना ऑल पे सेट करना ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जाए हर वीडियो का। तो चलो गाइस, फिलहाल हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। आज का जो सबसे पहला अपडेट निकल के आ रहा है वो है यहाँ पे एक लेजेंडरी स्किन, साथ ही साथ एक नॉर्मल वाला स्किन के लिए। और ये किस पे अवेलेबल हो सकता है मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ट्रीटमेंट स्नाइपर का स्किन, जो कि लेजेंडरी स्किन है। आप लोग देखो यहाँ पे आर्मर पेनिट्रेशन आपको डबल प्लस, रेट ऑफ फायर आपको सिंगल प्लस, और मूवमेंट स्पीड माइनस देखने के लिए मिल रहा है। मतलब यहाँ पे आप लोग समझ सकते हो ट्रीटमेंट स्नाइपर का लेजेंडरी स्किन, भाई मतलब यकीन करना मुश्किल है, शायद यूज होता होगा उतना ज्यादा हील के लिए ज्यादा यूज होता है ये। तो यहाँ पे इसका भी लेजेंडरी स्किन आने वाला है। और M249 का यहाँ पे आप लोगों को स्किन देखने के लिए मिल रहा है, जिसके अंदर सिंगल रेट ऑफ फायर आपको देखने के लिए मिलेगा, उसके साथ साथ आपको मैगजीन माइनस देखने के लिए मिलेगा और एक्यूरेसी प्लस मिल रहा है। मतलब M249 का मैगजीन माइनस होने से मुझे नहीं लगता कुछ फर्क होता है, बट यहाँ पे आप लोगों को एक्यूरेसी ज्यादा मिल रहा है जो कि काफी अच्छी बात है, और रेट ऑफ फायर भी है साथ ही साथ। तो यहाँ पे काफी सही स्किन होने वाला है। तो आप लोगों ने देखा यहाँ पे एक लेजेंडरी स्किन था और एक नॉर्मल वाला स्किन था, तो यहाँ पे ये किस पे अवेलेबल हो सकता है? जाहिर सा बात है फेरी ड्यूल के अंदर जरूर हो सकता है, क्योंकि फेरी ड्यूल के अंदर आप लोगों को पता है दो कोनों में दो आइटम रहता है, एक में जो रहता है वो रहता है अपना मेन आइटम, और दूसरे कोने में रहता है एक और अच्छा आइटम। तो उस हिसाब से यहाँ पे फेरी ड्यूल हो सकता है, बाकी यहाँ पे देखते हैं किसके अंदर अवेलेबल होता है, क्योंकि भाई गरीना कुछ भी कर सकता है ना। गाइस चलो गाइस, हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दो नए लेजेंडरी स्किन्स जो कि होने वाले हैं कटाना के। आप लोग सोच रहे हो भाई कितने सारे स्किन्स आने वाले हैं, भाई एक ही साथ सारी चीज दिखा दे रहा हूँ। लेफ्ट साइड में आप लोग यहाँ पे देख सकते हो एक स्किन यहाँ पे ब्लैक कलर और गोल्डन कलर के अंदर देखने के लिए आपको मिल रहा है, जिसका नेम है ब्लैक ऑनर। और राइट साइड में आप लोग देख सकते हो यहाँ पर रेड एंड व्हाइट कलर के अंदर आपको एक स्किन देखने के लिए मिल रहा है, जिसका नाम है स्नो डूम। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो दो स्किन्स आपको देखने के मिल रहा है, दोनों के दोनों लेजेंडरी स्किन्स होने वाले हैं। सो अब ये किस पे अवेलेबल होगा? टॉप अप पे कहीं पे गरीना घुसर देगा इंडियन सर्वर में ऑब्वियसली, और कहां पे होगा? सो यहां पे आप लोग लुक देख सकते हो कि किस तरीके का लुक है। यहाँ पे आप लोगों को बताना है किसका लुक ज्यादा बेटर है। मुझे यहाँ पे ज्यादा बेटर लग रहा है यहाँ पे ब्लैक वाला, ठीक है। आप लोग बताना आप लोगों को कौन सा वाला लग रहा है, ब्लैक वाला या रेड वाला। वैसे तो दोनों का एनिमेशन अच्छा है, रेड वाले का एनिमेशन कुछ ज्यादा ही है, सो इसीलिए मतलब बहुत ज्यादा हाईलाइटिंग है। बट यहाँ पे लेफ्ट वाला देख सकते हो काफी डिसेंट है, और यहाँ पे एक फ्यूरी टाइप का निकल रहा है जो कि अच्छा लग रहा है देखने में। सो ये दोनों लेजेंडरी स्किन्स है जो कि यहाँ पे अवेलेबल होगा बहुत ही ज्यादा जल्द। सो यहाँ पे आप लोगों को बता दिया भाई, बहुत सारे स्किन्स के बारे में बताया आज, थक गए स्किन्स के बारे में जान जान के। तो चलो यहाँ पे कुछ और जान लेते हैं। सो इसी के साथ यहाँ पे फिर से जो आलोक कैरेक्टर है गाइस, वो बन चुका है अपने गेम का मोस्ट वैल्यूएबल कैरेक्टर वापस से। और भाई आलोक तो बोल रही है भाई अब तो आदत सी पड़ गई है हमको ऐसे जीने में, भाई यहाँ पे क्या ही कर सकते हैं। क्रोनो चले जाने के बाद यहाँ पे गरीना का फिर से आलोक बन चुका है नंबर वन कैरेक्टर सेलिंग के मामले में। गाइस यहाँ पे एक फीडबैक निकल कर है प्लेयर्स की ओर से कि क्यों आलोक सबसे ज्यादा लोग यूज करना पसंद करते हैं। क्या आप लोग भी इनमें से कोई भी एक कारण के लिए आलोक यूज करते हो तो कमेंट बॉक्स पे जरूर बताना। पहला रीजन, सबसे कम कूल डाउन टाइम यहाँ पे आलोक का है। मतलब यहाँ पे अगर देखा जाए कंपटीशन के मामले में, आलोक, क्रोनो, यहाँ पे के कैरेक्टर, उकोंग, के को छोड़ दो उसका क्या कूल डाउन है, बट यहाँ पे स्काइला, लाइक इन सब में आलोक का कूल डाउन सबसे कम है, इसलिए लोग पसंद करते हैं, ज्यादा से ज्यादा यूज कर पाते हैं गेम के अंदर। दूसरा, कैरेक्टर कॉम्बिनेशन बहुत हेल्प करता है स्पीड के मामले में, बहुत सारे कैरेक्टर के साथ यूज करते हैं तो हमको फायदा मिलता है। और लास्ट रीजन जो है यहाँ पे वो ये बोला जा रहा है कि ये काफी लाइक पहले से फेमस है। मतलब ये रीजन आप समझ सकते हो ये क्यों है, बोलने की जरूरत नहीं है, लोगों ने ऑलरेडी इसका हाइप क्रिएट कर रखा है। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या लगता है किस वजह से आप आलोक यूज करते हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, अगर करते हो तो। और अगर क्रोनो यूज करते हो तो कोने में मत छुपना, मैं आपका कमेंट नहीं देखूंगा। करो करो भाई, बिंदास करो, हंसो थोड़ा, उसके ऊपर मजे लो, इतने दिन लोगों का मजा लेता था वो। सो चलो यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे हम लोग बात करते हैं मिस्ट्री शॉप के ऊपर। तो गाइस यहाँ पे अपना मिस्ट्री शॉप आने वाला है इंडियन सर्वर में, डेट भी बताऊंगा, कॉस्ट्यूम भी दिखाऊंगा। बट पहले अभी वीडियो को आपको लाइक करना है, क्योंकि मिस्ट्री शॉप का सवाल यार परेशान कर दिया तुम लोग पूछ पूछ के, अब तो दिखा रहा हूँ, फटाफट लाइक करो। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कौन सा कॉस्ट्यूम होने वाला है इस बार का मिस्ट्री शॉप का, कपल कॉस्ट्यूम। तो गाइस
यहाँ पे आप लोग देख सकते हो फीमेल बंडल मिस्ट्री शॉप का कमाल का दिख रहा है। यहाँ पे बहुत दिन बाद मिस्ट्री शॉप के अंदर एक अच्छा कॉस्ट्यूम आपको देखने के लिए मिलेगा, और वो भी इंडियन सर्वर में। मेल कॉस्ट्यूम देख सकते हो यहाँ पे, कुर्ता पजामा काला काला तो नहीं है बट यहाँ पे लाल और सफेद कलर के अंदर मचा रहा है देखने में। और यहाँ पे मुझे फीमेल कॉस्ट्यूम बहुत ओपी लग रहा है देखने में। आप लोग जरूर बताना मेल वाला या फीमेल वाला दोनों में से कौन सा ज्यादा पसंद है। मुझे जो है भाई नो डाउट फीमेल वाला ज्यादा बेटर है, वैसे तो हम यूज करेंगे मेल वाला ही। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कॉस्ट्यूम के लुक वगैरह देखने में काफी सही लग रहा है, एकदम रियलिस्टिक कॉस्ट्यूम होने वाला है ये वाला। सो गाइस काफी दिन बाद इतना अच्छा कॉस्ट्यूम देख के मुझे भी अच्छा लग रहा है और आप लोगों को दिखाने में भी अच्छा लग रहा है। भाई हर बार बोलता हूँ यार अच्छा नहीं है मिस्ट्री शॉप का कॉस्ट्यूम, बट इस बार नो डाउट अच्छा कॉस्ट्यूम है ठीक है। और टैटू वैटो भी है एकदम फुल, मतलब मचाने वाला कॉस्ट्यूम है ये वाला ठीक है। और गाइस यहाँ पे बैनर के ऊपर लिखा जाता है 90%, बट मुझे नहीं कभी आज तक मिला। आप लोगों का भी मिला है? हाइस्ट कितना मिला है? मेरे को हाइस्ट अभी तक 85% मिला है, वो भी टट्टी वाले मिस्ट्री शॉप के अंदर, अच्छे वाले में नहीं मिलता है, उस पर 50-60 मिलता है। आप लोगों का हाइस्ट अभी तक कितना मिला है कमेंट बॉक्स पे जरूर बताना। ओके अब बात कर लेते हैं इसके डेट के बारे में, कब टपकने वाला है ये अपने इंडियन सर्वर के अंदर। तो ये आने वाला है 25 दिसंबर को। जी हाँ गाइस 25 दिसंबर, मतलब यहाँ पे क्रिसमस के दिन हम लोग करने वाले हैं मिस्ट्री शॉप के अंदर एंजॉयमेंट। और यहाँ पे आप लोगों करना है वीडियो को शेयर दोस्तों के साथ, ताकि सबको पता चल जाए कौन से दिन मिस्ट्री शॉप आएगा। और मुझे पता है यार सब लोग बैठे रहेंगे, जितना हो सकता है लोगों को शेयर कर दो, ताकि सब लोग अपने अपने डायमंड बचा के रखे, क्योंकि मिस्ट्री शॉप आएगा तो स्टोर के अंदर सारे आइटम्स के ऊपर डिस्काउंट मिलेगा। कैरेक्टर्स के ऊपर क्या मिलेगा ये क्वेश्चन अभी तक बरकरार रहेगा, क्योंकि जब तक नहीं आएगा इंडियन सर्वर में तब तक पता नहीं चलेगा। बाहर के सर्वर के अंदर मिलता है, अपने इंडियन सर्वर पर भी मिल चुका है, ऐसा नहीं है। और इलाइट पास खास करके मत लेना, देखते हैं उसके अंदर दे देता है कि नहीं। सो गाइस वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स पर जरूर बताना। इंस्टाग्राम पे हमको फॉलो नहीं किया तो प्लीज कर देना, लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। शुभ काम में देरी कैसा। और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मिलता हूँ आप लोगों से एक और फ्रेश वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।